ये नाश्ता कब तक करते रहेगा रे टकले? एक छोटा पैग मुझको भी दियो। तेरे खत भी जला दिए। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जिंदगी में एक कहा जाता है कि संस्कार होने चाहिए, हर व्यक्ति में संस्कार होने चाहिए, बड़ा जरूरी है। अब इसके उदाहरण कुछ अलग भी हो सकते हैं, जैसे दो समधी बैठे शाम के वक्त और कहा थोड़ी थोड़ी हो जाए तो लड़की का पिता और लड़के का पिता दोनों ही बैठे हुए, तो लड़के के पिता ने अपने समधी यानी लड़की के पिता से पूछा कि पानी कितना? बोले एक भी बूंद नहीं। बोले क्यों? बोले हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। वाह, कितना संस्कारी पुरुष है ना, कमाल है। जैसे लोग ढूंढते संस्कार, जब शादी होने के पहले वही लड़की का पिता अपनी लड़की के लिए कहीं लड़का देखने गया और उस लड़के के पिता से कहने लगा, भाई मुझे तो ऐसा दामाद चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए जो शराब नहीं पीता हो, जो सिगरेट नहीं पीता हो, जो पान नहीं खाता हो, जो तंबाकू नहीं खाता हो। तो जो लड़के का बाप था बोले, फिर एक काम करो, सामने जो अस्पताल है वहां निकल लो, क्योंकि ऐसा लड़का तो किसी आईसीयू में ही मिलेगा। लेकिन जिंदगी में कविता संस्कार देती है, शब्द संस्कार देते हैं, लफ्ज संस्कार देते हैं, शायरी संस्कार देती है, क्योंकि ये वो विधा है, ये वो शय है जो किसी को किसी से जुदा नहीं करती, वो मिलाती है। और ये वो लोग बैठे हैं जो अपनी कविताओं से पूरी दुनिया को एक करने का काम कर रहे हैं। आइए इनके लिए कहते हैं वाह भाई वाह। तो हमारे बीच में तीन लोग हैं और तीनों का परिचय कराते वक्त मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव है। मैं आइए मिलवाता हूं उनसे, दीपक गुप्ता जो फरीदाबाद हरियाणा से हमारे बीच में आते हैं और कवि ही नहीं है, वो अन्य बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं और भाषण भी देते हैं और मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, बहुत अच्छे गज़लकार हैं और अपनी हास्य कविताओं से लोगों के दिलों पर छा जाते हैं। वो हमारे बीच में है और अपनी तारीफ से बड़े प्रसन्न है और होना भी चाहिए, आदमी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। दीपक गुप्ता हमारे बीच में और मंच के इस कोने के अंदर ये जो कमाल का व्यक्तित्व बैठा है, ये अद्भुत है। ये उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं, सिद्धेश्वर सिद्धू इनका नाम है और मुझे बड़ी खुशी है कि सिद्धेश्वर सिद्धू आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में पहली बार टेलीविजन के सामने आएंगे और जब पहली बार आएंगे तो उनके लिए हम अतिरिक्त तालियां बजाएंगे। दीपक और सिद्धू जी के बीच में एक युवती जो किसी जमाने में किसी कॉलेज की स्टूडेंट हुआ करती थी और तब मैं कविताओं के ऑडिशंस ले रहा था और उस ऑडिशन में मैंने इस युवती को सुना और पहली बार टेलीविजन पे उस वक्त उसे कविताएं पढ़ाई और उसके बाद से लेकर खुशबू शर्मा ने बहुत लंबी यात्रा तय की है और आज इसकी खुशबू सारे देश में। खुशबू शर्मा का हम स्वागत करते हैं जो दिल्ली से हमारे बीच में। तो आइए मिलते हैं जो उदयपुर डोरे नगर में रहने वाले हैं, सिद्धेश्वर सिद्धू, जरा जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मुझे यहाँ बुलाया बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, मैं अपनी एक पीड़ा लेके आया हूँ, अपना एक दर्द लेके बम्बई आया हूँ शैलेश जी के पास में। मैं अपने एक दोस्त के घर गया, वहाँ का एक बच्चे को देखा, अभी बोल रही थी ये खुशबू के मैं बहुत सीधा हूँ, तो मैंने भी एक सीधा सा बच्चा देखा वहाँ पर, बच्चे को देखा बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ, बहुत बिल्कुल, मैंने कहा बेटा कितना संस्कारी बच्चा है, बिल्कुल मस्ती नहीं करता है, शांत बैठा हुआ है। मैं जब 10 मिनट तक बैठा रहा, देखता रहा, तो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मेरे पास में आया और बोला, ये नाश्ता कब तक करते रहेगा रे टकले?
कोई समझता ही नहीं। मैं अपनी टकलों की कुछ पीड़ा आपके श्री चरणों में रखता हूँ जी। के देश में इनकी टाट में छिपा है बहुत सारा तत्व। टकलों की भी क्या कहानी, ना तो बाल काले ना है सफेद, ता जिंदगी जवानी जवानी है। ये हमारे खुशबू मैडम है, ये अपने शहर में समाज सेवा बहुत करती है, नारी संगठनों से जुड़ी हुई है शैलेश जी, और पता नहीं कितने आंदोलनों से जुड़ी हुई है। एक बार इन महिलाओं ने, इन्होंने यूनियन बनाई, आंदोलन किया और एक बात नया कानून तय किया कि ये शादीशुदा महिलाओं को मांग भरनी पड़ती है। ये कानून आज से चेंज होगा। मैंने कहा कैसे, कि आज से महिलाएं मांग भरना बंद करेंगी और आज से पुरुष मांग भरेंगे। अच्छा। मैंने कहा रेने दे रे खुशबू, टकलों को क्या कुआरा मरवाएगी? क्या टकलों को की सुविधा? अच्छा, फिर भी इनकी अपनी एक है दुविधा के मुंह पे लगाने वाली क्रीम में घाटा कहां तक लगाए। अभी पिछले साल की करवा चौथ आई थी, करवा चौथ आई, मेरी धर्मपत्नी विद्या, उसने बोला जाओ ऊपर चांद देख के आओ। मैंने कहा जाता हूँ दो मिनट बाद, तो उसने कहा जल्दी जाओ नहीं तो मैं व्रत तोड़ लूँ। अरे मैं कहा नहीं अभी जाता हूँ। मैं छत पे गया, मेरे अड़ोस पड़ोस की कितनी महिलाओं ने व्रत तोड़ लिया। बाल पकड़ कर नहीं मार सकते, किसी रिश्तेदार की मौत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह मुंबई में हम टैक्सी से ही आ रहे थे शैलेश जी से मिलने, रास्ते में मैंने एक बड़ी विचित्र बात दिखी, कहीं पे ऐसी एक जगह आई थी जहाँ कुछ ओले गिर रहे थे, तो मैंने एक महिला को देखा, एक टकला स्कूटर चला रहा था, पीछे उसकी धर्मपत्नी बैठी थी। अब जैसे ही ओले गिरने चालू हुए, भीड़ भाड़ में थी, तो उसने अपनी हस्बैंड की टाट पे बिल्कुल एकदम गांधी टाइप टोपी बना ली। मैंने कहा ये आइडिया सही है। मैंने कहा टकलों को बहुत बड़ी है टेंशन, जो नहीं कर सकते हैं मेंशन, जब होती है बारिश और पड़ते हैं ओले तो टकलों की टाट में हो जाते हैं फफोले। टकलों के लिए कोई अलग से ब्यूटीशियन नहीं होता, इनको शैम्पू से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। टकलों के लिए कोई अलग से ब्यूटीशियन नहीं होता, इनको शैम्पू से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ये लोग आपस की बातों का बुरा नहीं मानते, क्योंकि इनमें हेयर स्टाइल का कंपटीशन ही नहीं होता। बहुत अच्छे, क्या बात है। सिद्धू जी
आप बहुत अच्छी कविता सुनाते हैं, अपने पे हंसना जानते हैं, स्वयं को केंद्र बना के लोगों को हंसाना जानते हैं, इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। इसीलिए आपको देख के इन सब का चेहरा खिलता है और टकलों को कविता के बाद स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। आइए अब उनसे मिलते हैं जो लगातार सृजनरत रहता है, बहुत मेहनती व्यक्ति है, बहुत परिश्रमी व्यक्ति है और अपने ही परिश्रम के दम पर उसने अपनी जगह बनाई है। नाम उनका दीपक गुप्ता है, फरीदाबाद हरियाणा से आते हैं। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं दीपक गुप्ता। अभी आप टकलों का महिमा मंडन सुन रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आदमी सिर से भले टकला हो लेकिन मानसिक रूप से कभी टकला नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं मोहब्बत की बात करता हूँ कि नैन नशीले होठ रसीले चाल गजब की उफ तोबा। आए हाय, आए हाय। अच्छा ये ऐसी पंक्तियां शैलेश भाई, इसमें कई टकले भी सिर खुजाने लगते हैं। हाँ। कि नैन नशीले होठ रसीले चाल गजब की उफ तोबा, दो शब्दों में लिखना हो तो मैं उसको गुड लुक लिख दूं। हाय हाय। दो शब्दों में लिखना हो तो मैं उसको गुड लुक लिख दूं और बुक पर उसका फेस देखकर सोच रहा हूं मैं दीपक, कितना अच्छा हो जो उसके फेस पे कोई बुक लिख दूं। वाह वाह वाह। तो साहब, सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा। दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। सही बात है। तो इसी गोत्र की चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि जिंदगी काटो नहीं जी भर जियो। जिंदगी काटो नहीं जी भर जियो, इश्क में अगर विष मिले उसको पियो। जिंदगी काटो नहीं जी भर जियो, इश्क में अगर विष मिले उसको पियो। और आधुनिक जूलियट यूं बोली रोमियो, एक छोटा पैग मुझको भी दियो। एक छोटा पैग मुझको भी दियो। और मैं तो दिल्ली के साथ सटे हुए हरियाणा के फरीदाबाद से आता हूँ। हमारे यहाँ तो प्यार मोहब्बत बड़ा साफ साफ शब्दों में होता है। और यह कहा जाता है के दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा। दिल जिगर गुर्दा कलेजा सब तेरा है तू ही ले जा, खर्च जो तुझ पर किए हैं मेरी जान वो पैसे दे जा। बहुत अच्छे, प्रैक्टिकल प्यार है, बहुत बढ़िया। भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, तितली ने कहा मीटू। भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, तितली ने कहा मीटू, मेरी जरूरतें पूरी करेगा या किसी केस में घसीटू। भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, तितली ने कहा मीटू, मेरी जरूरतें पूरी करेगा या किसी केस में घसीटू या लोगों के आगे पीटू। भंवरा उसी दिन से भर्रा रहा है, उदास नजर आ रहा है, तितली उसी दिन से मुस्कुरा रही है, कई और भंवरों से मेलजोल बढ़ा रही है। आए, आए। तितली उसी दिन से मुस्कुरा रही है, कई और भंवरों से मेलजोल बढ़ा रही है। तितली के रूप में निखार आ रहा है, भंवरे को बुखार आ रहा है, वो खुद में ही बड़बड़ा रहा है, दूसरों को समझा रहा है। कभी भी किसी का उद्धार मत करियो, किसी बीमार का उपचार मत करियो, वरना खुद बीमार हो जाएगा। हंस मत पगले, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वाह दीपक, आधुनिक जूलियट ने रोमियो से कहा एक छोटा पैग मुझको भी दियो, है ना। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ये जो चीज़ है ना दीपक, मैं तुम्हारे और सिद्धू जी की आंखों में देख रहा हूँ, जैसे छोटे पैग का नाम आता है तुम दोनों एकदम से प्रफुल्लित हो उठते हो। ये चीज़ ऐसी, जैसे तीन मित्र एक साथ बैठ के ताश वाश खेल रहे थे और साथ में वही छोटा बड़ा चल भी रहा था, अचानक फ़ोन गनगनाया, उसने फ़ोन उठाया, सामने पत्नी थी। सुनो जी, जब साड़ियों की सेल लगी है, चार ले लूं क्या? आठ ले ले, आई लव यू। बोले फिर से कहो, आठ ले ले, आई लव यू। और फोन रख दिया।
साथ वाले ने कहा भाई बीवी से बहुत प्यार करते हो, प्यार गया भाड़ में, फोन किसका है? तो आइए बढ़ते हैं आगे। सिद्धू जी क्या किया जाए आगे बताइए। किस लिए आगे प्रोग्राम में क्या किया जाए? प्रोग्राम तो अब अच्छा वाला ही आने वाला है। नहीं नहीं अब क्या किया जाए, हम क्या करें? अब क्या करें ये तो अब आप ही बता सकते हैं, मैं तो खुद नया हूँ। नहीं पर यार हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं हमारे। तो बताओ क्या करें आगे? काय का बुजुर्ग? नहीं कोई बुजुर्ग नहीं। बुजुर्ग नहीं है? नहीं दिल जवान है। ओहो तो मुझे बहुत बड़ा खतरा है, वो व्यक्ति जो बुजुर्ग होने के बावजूद ये कह रहा है कि दिल जवान है, मतलब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। खुशबू उठो, कविता पढ़ो, आ जाओ। तो भाई सभी धड़कते हुए दिलों को, नौजवान दिलों को आमंत्रण देती हूँ कि आपका दिल ऐसे ही धड़कता रहे और आपके चेहरे पर ऐसे ही नूर चमकता रहे। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जब हम प्यार में होते हैं तो कैसी तस्वीर बनती है, आप तक बात पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। कि प्रीत में तेरी मैं निखर जाऊँ, प्रीत में तेरी मैं निखर जाऊँ, खुशबू की तरह से बिखर जाऊँ, तू अगर शाम बन के आए तो राधिका बन के मैं संवर जाऊँ, राधिका बन के मैं संवर जाऊँ। और इश्क में क्या क्या होता है लड़के लड़कियों सुनो जरा, कि रूठ जाने की बात करते हो, अच्छा, दिल दुखाने की बात करते हो, कि रूठ जाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो, हमने चाहा था दिल को घर कर लो, तुम तो जाने की बात करते हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब लग रहा है कि धीरे धीरे मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहे हो। पंक्तियां सुनो इसी उत्साह के साथ, पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तेरी यादों में खो रही हूँ मैं, जागती हूँ कि सो रही हूँ मैं, मुझ में अब कुछ नहीं बचा मेरा, ऐ सनम तेरी हो रही हूँ मैं, ऐ सनम तेरी हो रही हूँ मैं। इश्क में कैसे कैसे पहलू आते हैं, हालांकि वो दौर चला गया जब लड़कियां प्रेमिका रो रो कर दामन भिगो लेती थी। नए जमाने की लड़कियों का प्रेम कैसा है लड़कों सुनो जरा, कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने। अच्छा। आप मत सोचना कि धोखा दे दोगे तो लड़की बिचारी रोती रहेगी, क्या कह रही है सुनना। कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, अब भी तेरी खत भी जला दिए मैंने, तेरे खत भी जला दिए मैंने। तो चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ और इश्क करने वालों के, मोहब्बत करने वालों के नाम करती हूँ। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं तब कहती हूँ कि इश्क ये आम कर दिया तूने, वाह करो, इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, छीन कर हर खुशी मोहब्बत की, गम मेरे नाम कर दिया तूने। क्या अब मोहब्बत इतनी देर की हो शैलेश जी तो ही शोभा देती है, इससे ज्यादा टेंशन देने लगती है। मुझे लगता है आपने इस प्रोग्राम की जब शुरुआत की थी तो संस्कारों की बात की थी। मेरी पहचान जो पंक्तियां हैं वो संस्कारों से जुड़ी हुई हैं और मैं चाहती हूँ आपकी इजाजत लेकर मैं वो पंक्तियां जरूर पढ़ूं, क्योंकि ये समय की डिमांड भी है। पढ़ती हूँ सुनिएगा। एक लड़की होने के नाते क्या कहती हूँ नौजवान पीढ़ी को, कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, और अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदे, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती। वाह वाह क्या बात।
कमाल है, आपकी जो मुक्तकों की नायिका है काफी विरोधाभासी बातें करती है। कभी कहती है कि तूने मुझे खुशी ले ली और गम दे दिए, और कभी कहती है कि तेरे खत मैंने जला दिए, कभी कहती है तेरी हो रही हूं मैं। क्लियर कुछ पता नहीं चल रहा है कि चाहती क्या है वो। मतलब जनवरी में कहती है कि तेरी हो रही हूं मैं, फरवरी में कहती है कि तू गम दे रहा है, मार्च में खत चला देती है, अप्रैल में किसी और को खत लिखती है, मई में पूछती कि तेरे जलाऊं कि ना जलाऊं, जून में कहती है कि जला रही हूं मैं, जुलाई में वो रोता हुआ आता है, अगस्त में कहती है नया ढूंढ लिया मैंने, कमाल है भाई तुम्हारा। कोई आदमी एक जगह सेटल होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम जो करने जा रहे हैं बड़ा सेटल्ड मामला है, उसे हम कहते हैं कहानी थोड़ी इल्मी है। फिल्म का एक दृश्य दिखाएंगे उस पर ये क्या कहेंगे, कहानी थोड़ी इल्मी है। अच्छा बच्चन साहब, तो रूठने मनाने का कुछ चल रहा है, मौसमी जी हैं। अरे वाह, खुशबू ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। बताएं खुशबू क्या कहना चाहती है इस दृश्य को देख के। अब आपने कहा मौसम के अनुरूप प्यार, तो मुझे लगता है चार पंक्तियां से रूठने मंडाने की हैं। पंक्तियां पढ़ते हो सुनेगा, साथ देना मेरा। कि तुमसे बिछड़े तो ऐसा लगता है, तुमसे बिछड़े तो ऐसा लगता है, डोर सांसों की टूट जाएगी, रूठ जाओगे तुम मगर मुझसे, जिंदगी मेरी रूठ जाएगी। हाय हाय, क्या बात है। यानी कि तमाम कवियों की बातों ने हमें यह समझाया कि भाई बात अंदर की होनी चाहिए, भीतर की होनी चाहिए, बाहर जो कुछ है वो सत्य नहीं है, बाहर जो कुछ है वो सच नहीं है, आप जो दिखते हैं वो आप नहीं है, आप जो भीतर है वो आप है। तब एक प्रसिद्ध कवि, उनका एक दोहा मुझे याद आता है जाते जाते, वो कहते हैं कि रोज नए साबुन चुने खूब बहाया नीर, रोज नए साबुन चुने खूब बहाया नीर, धोई न किंतु आत्मा, धोया केवल शरीर। आइए हम आत्मा को धोए, आत्मा को स्वच्छ करें, ताकि सब मिलकर कह सकें वाह भाई वाह।